ग्लास स्किन यानी कि चेहरे पर चमक लाने के लिए हम तरह तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्किन टोन को बेहतर करने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो महंगे होने के साथ साथ स्किन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे में ग्लास स्किन पाने के लिए आप घर पर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चेहरे के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और चेहरे पर नेचुरल तरीके से ग्लो आता है। ग्लास स्किन जिससे त्वचा पर कांच की चमक और निखार आता है, चेहरे पर न तो कोई दाग होता है और ना ही झुर्रियाँ। 50 साल होने के बावजूद भी आपकी उम्र 25 साल की लगती है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में आपको लेना है रॉ मिल्क। कॉटन की हेल्प से इसे पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लें। पूरे चेहरे को अच्छे से साफ करें ताकि जो स्किन पर गंदगी है वो साफ हो जाए। कच्चे दूध के इस्तेमाल से स्किन पर जमी गंदगी और मैल आसानी से साफ हो जाता है और स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करने लगती है। स्टेप नंबर 3 में हम एक फेस मास्क तैयार कर लेंगे। फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन स्किन के लिए एक बहुत ही बेहतर क्लींजर है, जो स्किन पर जमी गंदगी को आसानी से साफ करता है। ये चेहरे को डीप क्लीन करता है, मुहासों को होने से रोकता है और स्किन की रंगत को निखारता है। बेसन में एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की डेड स्किन को धीरे धीरे साफ करते हैं। ये चेहरे के दाग धब्बों और स्किन की टोन को बेहतर करने का काम भी करता है, जिससे आपको ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलती है। इसके बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड कर देनी है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है तो इसमें आप 1/2 चम्मच वाइल्ड टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी, जिसे गोल्डन मसाले के नाम से भी जाना जाता है, हर रसोई में ये आसानी से मिल जाती है, जो सेहत और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। हल्दी त्वचा के लिए एक रामबाण औषधि है। ये त्वचा से काले दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को दूर करने में भी मदद करती है। हल्दी त्वचा पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच शहद ऐड कर देना है। शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। शहद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, जो स्किन को लाइट करने में मदद करता है। शहद डार्क स्पॉट को हल्का करने में मदद करता है। एक्ने की वजह से होने वाले निशान और सन स्पॉट को भी हल्का करने में शहद काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है रॉ मिल्क। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन की कई सारी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। रॉ मिल्क का इस्तेमाल आप एक फेस क्लींजर के रूप में भी कर सकते हैं। कच्चा दूध स्किन को मॉइस्चराइज करता है। कच्चे दूध में मौजूद विटामिन ए स्किन को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लें। गर्दन पर भी आप इसे अप्लाई कर दें। 15 मिनट तक आप इसे अपने चेहरे पर लगा कर रखें और फिर फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इसके बाद आप चेहरे पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। आपको पहले दिन में ही इसके रिज़ल्ट दिखने लगेंगे। आपका चेहरा एकदम से ग्लो करने लगेगा और फ्रेश हो जाएगा। 7 दिन तक लगातार आप इस फेस मास्क का इस्तेमाल करें। 7 दिन में ही आपकी स्किन चमकदार होगी और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।